अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। आज हमारा जो है न्यू लेसन है, तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। दोस्तों लेसन स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा ओपन है, तो उसमें आपको जो है ये टेक्सचर जो है वॉलपेपर नज़र आ रहा है, ये आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगा। आपने जो है सर्च करना है पेपर टेक्सचर, तो उसमें जो है ना ये देखें, ये इस तरह से मिल जाएगा आपको। ये नीचे इसमें पड़ा हुआ है, मैं वो काट के दिखा देता हूँ। ये पड़ा हुआ है, वैसे तो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं उसमें, बस यही जो है आपने कॉपी करके ना पेस्ट कर देना है आप आगे कोरल के अंदर। ये आप डिलीट कर देंगे, न्यू जो है हमने डाल दिया इसको। उसके बाद जो है हमने सेम जो है बॉक्स लगाना है इसके ऊपर। ये देखें, सेम बॉक्स जो है हमने लगाया है उसके ऊपर और रेड कलर दे दिया है, रेड कलर दे दिया है। तो ये जो है क्या कहते हैं, आपने इसको ये टूल ट्रांसपेरेंसी जो टूल है, इस पे आके सेलेक्ट करके आपने जो है ना सब्जेक्ट के नाम से इसको इस तरह कर लेना है। तो आपने ये देखा है कि रेड कलर जो लगाया हुआ था, ये लाइट हुआ है, उसमें इफ़ेक्ट जो आ रहा है वो पेपर का, वो जो है उसमें वो सेम इफ़ेक्ट आ गया। उसके बाद इसको जमा कर लेंगे। तो ये देखें, अगर येलो लगाते हैं तो येलो आ जाएगा। ये जो भी मतलब कि आप कलर लगाएंगे वो उसी तरह जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। कोई भी अगर वाल पेपर ले आते हैं, कोई भी इस तरह से टेक्सचर है या कुछ भी है, उसमें आप इस तरह से आगे कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ इसी लिए नहीं है, जो भी मतलब के वाल पेपर है या चीज़ है उसको आप इस तरह कर सकते। छोटा कर दिया हमने, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रिपीट अगेन करता है वो सेम, तो ये हमने छोटा कर दिया। उसके बाद जो है इस पर हमने लिखना है पेपर इफेक्ट, फाउंड चेंज कर लेते हैं और इनको अपर केस कर देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल के प्रेस करेंगे और ये अलहदा हो जाएगा। पी प्रेस करेंगे आप तो ये सेंटर में आ जाता है। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर ले आते हैं, कलर वाइट कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इफेक्ट को जो है आपने शेप टूल से सिलेक्ट करना है और इसको ज़रा खींच लेना है बाहर। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके इसको छोटा कर देना है और ये इसके नीचे लेके आ जाना। सिलेक्ट करके ग्रुप कर दें, सेंटर में कर दें, शिफ्ट करके सी प्रेस करेंगे उसको, बैकग्राउंड को उसके सेंटर में आ जाएगा वो। थोड़ा इसको और भी मज़ीद बड़ा कर लें। तो दोस्तों ये देखेंगे हमारा यहाँ तक आधे से ज़्यादा तो हो गया है। उसके बाद जो है आपने इसको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद पेपर को जो है, सिर्फ पेपर को आपने कंट्रोल क्यू प्रेस करना है, तो ये देखें कर्व हो जाएगा। ये जो है कर्व हो गया। उसके बाद जो है ना आपने शिफ्ट करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, तो आप देखें ये दोनों सिलेक्ट हैं। अब आपने ट्रिम का बटन दबाना है, यहाँ से ट्रिम प्रेस करेंगे और इसको हमने उठा के रख देना बाहर, कलर ब्लैक दे देंगे ताकि नज़र आए। तो ये देखें कि वो उसमें से कटिंग हो गया है। ट्रिम जैसे प्रेस करते हैं ना, तो वो जो है बैकग्राउंड है या जो भी है उसमें से वो कटिंग कर देगा। उसके बाद जो है हमने इसको नीचे लेके आना है, इसके सेम नीचे ले आए, शिफ्ट डाउन प्रेस किया तो वो बिल्कुल उसके नीचे आ गया। देखें आधे से ज़्यादा हमारा जो है ना बन चुका है। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि इसको कॉपी को जमा कर लेना है। अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करते हैं तो ये देखें वो पेपर का जो इफेक्ट था वही आ रहा है, उस पर जो कलर जो उठा दिया हमने। तो ये जो है आपने डिलीट कर देना है, इसको जो है ट्रांसपेरेंट से आके वापस इसका नॉर्मल कर देना है और ये यहाँ से ख़त्म, ओके। और इसका कलर कर लेना है ब्लैक, ब्लैक कर लिया। उसके बाद जो है ना आपने इस इधर क्लिक करना है नीचे, जब ब्लैक है तो यहाँ पे आपने 60 60 60 कर लेना, ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे। शेप टूल ले लेंगे, इसको जो है हमने यहाँ से इस तरह कटिंग कर देना है, ये इधर से ऐसे कटिंग कर देना है, उसके बाद इधर से ऐसे कटिंग कर देना है, ऊपर से भी कटिंग कर लेना है, इतना सा हमने इसको कर लेना है। उसका कोई मसला नहीं है, आप छोटा ऊपर से थोड़ा बड़ा कर लें या नीचे कर लें, वो इतना कोई हर्ज नहीं है, जितना भी मतलब कि हो सके। उसके बाद हमने सेम जो है ना इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है, तो इसके ऊपर रख दिया। उसके बाद हमने लगाना है इसको बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप, ओके करेंगे।
फिर आ जाएंगे ब्लर में, ये हमने कर देना है इसको इस तरह ब्लर, 4 पॉइंट कुछ है तो इतना आप ब्लर कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब जो है ना हमने शिफ्ट कंट्रोल कहना कंट्रोल प्रेस करके पेज डाउन प्रेस करना है, तो ये देखें वो उसके बैक पे जा रहा है, तो आप ये देखें कि वो चला गया है नीचे डाउन। तो अब जो है ना आपने इसको सिलेक्ट करना है थोड़ा सा दाएं बाएं करने के लिए, तो हल्का सा ऊपर करेंगे इसको, ये देखें एरो सिलेक्ट करके आप आसानी से कर सकते हैं, इस तरह भी शेड दे सकते हैं, उस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मतलब कि आपको जिस तरह चाहिए। तो ये सिर्फ इतना सा था। तो अब जो है ना आप इसको देखें, आपको इस तरह इफेक्ट लग रहा होगा कि जैसे ये कटिंग हो गया है उसमें से, और मतलब पी जो है लव्स कटिंग हो गया है, ए भी उसमें से कटिंग होकर निकल गया है, तो ये इफेक्ट जो है वो उस तरह उसमें से नज़र आ रहा है। तो आप कोई भी जो है टेक्स्ट है या कोई चीज़ है मतलब कि लोगो है या कोई भी मतलब कि इस तरह से आप जो काम है वो इसके अंदर आप इजीली जो है कर सकते हैं। और इसका रह गया बाकी, इसको आप अगर उसी तरह करेंगे तो ये भी मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। सब्जेक्ट में किया, कलर को इस तरह से देंगे तो लाइट ज़्यादा डार्क तो नज़र आएगा, ये देखें वाइट लगाना है वाइट लगा दें, ये इस तरह से करेंगे तो ये भी मिक्स होता जाएगा, लेकिन ये वाइट में ही ठीक था, वो नॉर्मल करके वाइट में ये ज़्यादा अच्छा था। तो आप देखें ये वही इफ़ेक्ट हो रहा है कि पेपर जो है उसमें से कटिंग हो गया है, कि पेपर लव जो हमने लिखा था। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, कमेंट्स किया करें, कोशिश किया करें, बताया करें कि क्लास कैसी है कैसी नहीं है, उसके बाद जो है कि कहते हैं शेयर भी किया करें वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।